नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। अज सदीद लैफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम न मनाया जा रहा, जिथे कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी ने झंडा फहराने की जिथे रसम अदा कर रसम अदा की है। बड़ी ही श्रद्धा के भावना बड़ा 15 अगस्त का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। उत्थे ही मैं दसना चाहवागा कि इस वे झंडा लहराने की जी अदम अदा कर दी गई है। उत्थे ही मैं कैमरामैन कहाँगा कि इधर दिखाया जाए कि जिथे कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप आया हुआ सी, लेकिन उत्थे ही लोगों में देश के प्रति इन्नी की श्रद्धा थी कि लोग जोड़े आ इतने पहुंचे आ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का जरा जिला प्रशासन वालों खास ख्याल रखा जा रहा। डिप्टी कमिश्नर की जो अगुवाई में जरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा, जिस में लोग जोड़े आ हम हमा के पहुंचे मार मार रहे। उत्थे ही कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा वालों शहीद के परिवारों को सम्मानित किया गया, लेकिन 74वें आज़ादी दिवस पर कोरोना का असर भी दिखाई दिता। पहले जैसी रौनक गायब नज़र आई, स्टेडियम में खाली दिखाई दिता गया, परेड में भी केवल पंजाब पुलिस के एक ही टुकड़ी दिखाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने पत्रकारों से गलबात करते हुए कहा कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा अते नमन किया जाएगा। उत्थे अपने संबोधन में उत्थे उन्होंने आजादी दिवस से बात करते हुए कोरोना महामारी के चलते कहा कि इस बीमारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डगमगा दिता है। इस कोरोना महामारी के चलते जिथे पूरी दुनिया रुक गई है, उत्थे हिंदुस्तान भी इसकी लपेट में आ चुकिया है, पंजाब भी आ चुकिया है। उत्थे उन्होंने कहा कि पंजाब की आमदनी भी घट गई है, साड़ी सरकार ने विकास के जो सपने देखे थे उसनों भी थोड़ा झटका लग्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि साड़ी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में दृढ़ निश्चय नाल पंजाब में विकास कार्य कर रही है, उन्होंने रोकया नहीं जाएगा। उत्थे ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब में कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई उत्ते भी जो विघन महामारी के चलते पिया है उसनों भी सरकार हर कदम नाल दूर करेगी, जिसके चलते बच्चों 100 करोड़ रुपए की राशि के मोबाइल फोन स्मार्टफोन दिए गए हैं। उत्थे उन्होंने कहा कि जिसके चलद घर बैठे ऑनलाइन बच्चों पढ़ाई कर सकन, उन्हों की पढ़ाई में विघन ना पै सके। उत्थे उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी ने इतने पंजाब में एकजुटता का जज्बा दिखाया है, अगे भी यह दिखता रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब जिला गुरदासपुर की गल करिए इतों के पिंड 32 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो चुके हैं, साल के अंत तक विकास कार्य 80 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएंगे। इस दे साथ ही मनरेगा वही नरेगा के तहत मजदूरों सरकार वालों 262 करोड़ का रोज़गार मुहैया करवाया जाएगा। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਸ ਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਦੇਖਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ MLA ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਧਰਮਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹੋ ਖੂਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ
कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा ने 15 अगस्त आजादी दिहाड़े दिया देशवासियों वधाई दिती अते कहा कि देश की खातर जिन्होंने शहीदियां दित्तियां हन उन्होंने परिवारों हर संभव सहायता दी जाएगी अते शहीदां दी शहीदियां नू व्यर्थ नहीं जान दिता जाएगा। उते ही प्रताप सिंह बाजवा के सवाल पूछन ते कैबिनेट मंत्री ने सवाल के उपर जवाब ना दिता। अज मुल्क दा आजादी दा दिन 1947 मुल्क आजाद होया सी, खुशी वाला दिन है। सारे मुल्क वासियों नू, सारी प्रेस नू, सब नू बहुत बहुत बधाई। सर देखा जाए तो जिस तरीके कांग्रेस के बाजवा से दुल्लो वालों मसले उठाए जा रहे, लगता नहीं कांग्रेस ने भी अज आजादी वाले दिन कांग्रेस ने आजादी अज आजादी वाले दिन ये गल नहीं जो फिर कितने बटाले वाग वी गल सुन अज की सम्मानित किया शहीदों के परिवारों शहीदों के परिवारों सम्मानित किया वा उन्होंने सिर चुकता उन्होंने बजुर्गों की कुर्बानियां करके असी आजाद करने असी वजीर बनया कोई MLA बनया तो सारे असी उन्होंने कुर्बानियां सत्कार। कैमरामैन करण शर्मा ब्यूरो दीपक साणी की खास रिपोर्ट।